सो ये होगी नेक की स्ट्रेचिंग। इसके बाद आते हैं हम आर्म्स पे। बैक को नीचे रखना है और पूरा ऊपर रखना है। इसमें आपको क्या करना है, नी के पास रखना है एक हाथ का गैप पे हाथों को, और बैक को लेग को पूरा पीछे प्रेस करते हुए लाना है और यहाँ पे होल्ड करना है आपको अच्छे से 8 सेकंड। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैलमैन फिटनेस। आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूँ जो एडवांस एथलीट्स होते हैं, जो बिगनर्स अपना क्रॉस कर चुके थे लेवल, उसके लिए जो वार्म अप एक्सरसाइजेज होती है और वार्म अप स्ट्रेचिंग्स होती है फुल बॉडी, अपर बॉडी टू लोअर बॉडी, उस सही वीडियो आपको फुल डिटेल के साथ मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मेरे जो एडवांस लेवल के भाई और बहन है, ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में पूरे हेड टू टो तक वार्म अप दिखाया जाएगा। बिगनर लेवल का वीडियो आप बेल आइकन में जाके देख सकते हैं। पहले वीडियो में मैंने ये वीडियो बना दी है, पिछली वीडियो में ये वीडियो मैं बना चुका हूँ बिगनर लेवल के लिए। ये वीडियो है पूरे एडवांस एथलीट के लिए, और एडवांस एथलीट ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो उनको भी पता चल जाएगा इस वीडियो में कहीं गलती है या नहीं है, क्योंकि मे भी हो सकता है आप भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हो, मुझसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करते हो, पर मैं इस वीडियो में पूरा ए टू जेड दिखाने वाला हूँ जो एडवांस एथलीट के लिए वार्म अप में चाहिए होती है, ज़रूरत चाहिए होती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको अपना लेफ्ट हैंड लेना है या राइट हैंड से स्टार्ट कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड को अपने अपोजिट साइड के नेक पे होल्ड करना है और स्लोली लेफ्ट साइड पुल करना है, जिससे आपकी पूरी मसल जो नेक की मसल होगी उसमें स्ट्रेन आ रहा है या फिर वो मसल पुल हो रखी है वो पूरी स्ट्रेच आउट हो जाएगी। सेम साइड अदर साइड भी करनी है आपको, ठीक है। सो ये होगी नेक की स्ट्रेचिंग। इसके बाद आते हैं हम आर्म्स पे। आर्म्स से आपको क्या करना है, पाम को सामने लाना है, डाउन करना है, और पाम को प्रेस करते हुए आपको पूरा नीचे प्रेस करना, और एल्बो आपकी सीधी रहेगी, ठीक है, एल्बो आपकी सीधी रहेगी, जिससे आपका पूरा बाइसेप और फोरआर्म एरिया अच्छे अच्छे से स्ट्रेच आउट हो जाएगा, ठीक है। वहीं आते हैं हम ट्राइसेप पे। आपको मैं ये चीज़ फिर से दिखा देता हूँ। हैंड्स अप करना है, हैंड बैक यहाँ पे होल्ड करना है, और यहाँ से आपको एल्बो को पीछे की तरफ पुल करना है, और ये जो हाथ होगा नीचे जाएगा, ठीक है, ओके। तो अभी आते हैं हम बैक पे। बैक के लिए आपको एक एरिया आपको ले लेना है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। इसमें आपको क्या करना है, नी के पास रखना है एक हाथ का गैप पे हाथों को, और बैक को कर्व करना है नेक इन, और यहाँ पे आपको 6 से 7 सेकंड का होल्ड लाना है, और इसको रिवर्स करते हुए लोअर बैक है जो आपकी, इसको नीचे की तरफ पुश करना है और पूरा हेड अप करना है। सेम इसी को ही 6 से 7 सेकंड करना है। अब आते हैं दूसरी बैक की स्ट्रेचिंग पे। एक हाथ को यहाँ रखना है और दूसरे हाथ को भी उसी के सेम पोजीशन पर लाना है, और यहाँ पे होल्ड देना है। ठीक है, मैं आपको दिखाता रहूँगा बैक की सारी स्ट्रेचिंग होने वाली है। इसमें शोल्डर को आपको ग्राउंड पे टच करना है और आर्म को स्ट्रेट कर देना है, और ये वाले आम को सामने की ओर। ठीक है, तो अभी करते हैं लोअर वार्म अप कर लेते हैं अभी, जो कि हमारा हिप गर्डल वार्म अप होता है। इसे करना बहुत ज़रूरी होता हैवी लिफ्टिंग में, क्योंकि ये वीडियो एडवांस एथलीट्स के लिए, तो हमें ये वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको कितना भी अपने लेवल पे घुमा सकते हो, ठीक है, इससे आपकी हैंड्स भी स्ट्रेच हो जाएगी अच्छे से। सो अगली जो स्ट्रेचिंग रहने वाली है वो रहने वाली है अपनी शोल्डर और पूरे चेस्ट पेक्टोरल की। इसमें आपको आर्म को टर्न करना है, सामने वॉल आपके वॉल होगी, मेरे सामने अभी ट्री है यहाँ पे, और नीचे से देखोगे आपको अपने लेग्स को इस साइड टर्न करना है, पूरा इस साइड टर्न कर दो एज मच आप जितना कर सकते हो, और ये आर्म स्ट्रेट रखना और नेक को पूरा पीछे, इससे आपके शोल्डर टू बैक पूरी स्ट्रेच हो जाएगी अच्छे से। आप बेंच बहुत अच्छे से मार सकते हो, शोल्डर प्रेसेस बहुत अच्छे से लगा सकते हो इसके बाद। सो मैं दिखा रहा हूँ बैक के लिए, इसमें भी आपको वॉल का सपोर्ट लेना है दोनों आर्म के साथ, पैरों को पीछे ले जाना है, नीज आपकी लॉक नहीं रहेगी, सॉफ्ट रहेगी, ये लॉक है ये सॉफ्ट है। इस मूवमेंट में बैक को नीचे रखना है और पूरा ऊपर रखना है, ठीक है। तो अभी हम पहले बैक की स्ट्रेचिंग कंप्लीट करते हैं, इसके लिए आपको एक लेग को आगे लाना है
और हेड अप करनी। ठीक है, तो अभी आपको मैं लेग की स्ट्रेचिंग दिखाने वाला हूँ। तो ये आपकी लेग की स्ट्रेचिंग हो रही है, लेग को पूरा पीछे प्रेस करते हुए लाना है और यहाँ पे होल्ड करना है आपको अच्छे से 8 सेकंड का। ये आप सिंगल लेग भी कर सकते हो और बोथ लेग भी कर सकते हो। और ये आपकी हैंड्स की स्ट्रेचिंग है, इसमें आपको लेग को पूरा लॉक रखना है और आर्म से अपने लेग्स को होल्ड करना है। ठीक है, अगली स्ट्रेचिंग कर रहे हैं हम बम के लिए। इसमें आप अपनी लेफ्ट लेग को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करें और लेफ्ट आर्म को नीचे, पूरा शोल्डर को नीचे रखना है, ग्राउंड पे उठाना नहीं इसको, जो ये है इसको नीचे रखना। ठीक है, तो ये आपकी कोर्ट के लिए होने वाली है। आपको ये एंगल सेट करना है, पहले नीचे आके प्रेशर लगा रहे हैं, इस पर हाथ रखते हैं और ये इसको पूरा स्ट्रेच करो आगे तक जितना आप कर सकते हो। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आपको हैम्स की भी दिखा देता हूँ। यही पोजीशन आप सेट रखना, इसको आप नीचे लिटा दो, पैर को पूरा पीछे, पैर को शिफ्ट करो और आगे चले जाओ। इसमें भी आपको 10 से 12 सेकंड होल्ड करना है। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि काल्स को आप कैसे स्ट्रेच कर सकते हो। पूरे एंकल को लिफ्ट करके रखना है आपको, ठीक है, और इसमें आपकी नी लॉक रहेगी। ठीक है, और पूरी बॉडी को वॉल के पास लेकर आना है। अभी मेरे पास ट्री है, सो इसको पुल करना है और यहाँ पर होल्ड करोगे तो आप यहाँ पर फील करोगे काफ पे आपके फुल स्ट्रेच आएगा। मेरा भी फुल स्ट्रेच आ रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको ट्राइसेप का भी दिखा देता हूँ, आप कैसे अपने ट्राइसेप को भी लूज़ कर सकते हो। एल्बो यहाँ पे रखनी है, जैसे हम अपना बाइसेप फ्लेक्स करते हैं, यही पोजीशन में आपको आर्म करना है। ठीक है, आर्म आपका हेड के पीछे निकल जाएगा और हेड को आगे लाते हुए, ये एंगल देख रहे हो आप, ये मैं आपको इस हाथ से दिखा देता हूँ। ये लिया और ये जाएगा यहाँ, तो इससे जो पूरी आपकी ट्राइसेप की मसल है वो अच्छे से फ्लैक्स उस फ्लेक्सर्स उसके खुल जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। और इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं और आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी दिख रहा होगा, आप वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं।